हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फैंटेसी क्रिकबॉल। इंडियन प्रीमियर लीग 2023 में खेला जाने वाला मैच नंबर 7 जो कि खेला जाएगा 4 अप्रैल को 7:30 बजे शाम में गुजरात टाइटंस और दिल्ली कैपिटल होने वाली है आमने सामने। इस तगड़े मैच के लिए तैयार जाना, सारी बातें डिटेल में करने वाले हैं। कैसी होगी पिच, किसको फेवर करने वाली है, कौन कितने रन बनाने वाला है, शुभमन गिल कितने रन बनाएंगे, इसके साथ साथ राशिद अलजारी शमी क्या करने वाले हैं, क्योंकि गुजरात टाइटन्स ने इस IPL में जिस तरह जीत के साथ शुरुआत की है, लास्ट सीजन जीत के साथ छोड़ी थी और इस सीजन में फिर से जीत के साथ शुरुआत करते हुए जरूर चाहेगी कि इस जीत का सिलसिला कायम रहे। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल की बात करें तो जहां कार एक्सीडेंट के बाद ऋषभ पंत अवेलेबल नहीं है तो वहां पर कमान संभाल लिया है डेविड वार्नर। वॉर के लिए तैयार हो चुके हैं डेविड वार्नर के धुरंधर, देखते हैं इस मैच में क्या करने वाले हैं। लेकिन अपना पहला मैच हार थे और लास्ट मैच लखनऊ से हारे थे गाइस, तो हम यूपी वालों के सामने दिल्ली हार गई थी। लेकिन यहां पर दिल्ली कैपिटल मुझे लग रहा है इस मैच में धमाल मचाने वाली है और बहुत सारी चीजें नई देखने को मिलने वाली, बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं। सबसे पहली चीज जो मैं भूल गई, 3 बड़े चेंजेस इस मैच में होने वाले हैं, तो ये वीडियो को लास्ट तक देखिएगा नहीं तो फिर आप जान पाओगे कि वो चेंजेस क्या हैं। लेकिन सबसे पहले चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, 1 सेकंड लगता है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। और इसके अलावा टेलीग्राम पे ज्वाइन होने के लिए नहीं बोलने वाली हूँ, लेकिन ज्वाइन होना नहीं है, जाके देखना जरूर है, लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाके देखो कि लास्ट IPL में हम किस तरह की टीम प्रोवाइड करें। इवन ऑप्शन आप हमारे देखना, टीम तो बेस्ट जा ही रही है, जो ऑप्शन आपको दे रहे हैं, GL के जो कॉम्बिनेशन हम दे रहे हैं, लास्ट मैच में धमाल मचाया है हमारी टीम ने GL ग्रैंड लीग में। हमारे 2 ऐसे यूजर थे जिन्होंने ग्रैंड लीग में बहुत करीब पहुंचे हैं और हो सकता है वो बहुत जल्दी क्रैक भी कर सकते हैं, तो आप भी क्रैक कर सकते हो, जाके चेक करना। अगर लगेगा बात में सच्चाई है तो टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना। गिव अवे स्पेशल वीडियो होने वाला है, तो फर्स्ट लाइक फर्स्ट कमेंट करके फटाक से बटन दबा दीजिए। इसके अलावा 2 इजी क्वेश्चन आपको वीडियो के मिड में पूछे जाने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा, यहां पर आप वीडियो को स्किप नहीं कर सकते। और ये क्वेश्चन वो रन और विकेट वाले क्वेश्चन नहीं होने वाले, सिर्फ 1 क्वेश्चन होने वाला है, बहुत इजी होने वाला है, कुछ टफ नहीं होने वाला है। यहां पर हम कुकू पांड्या के सपोर्ट में आ चुके हैं गाइस, तो सारी बातें तो आगे हम कर ही लेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहां पर आपको बताने वाले हैं, अगर गाइस हम बात करें यहां पर, सबसे पहले हम आपसे बताएंगे कि टेलीग्राम पे ज्वाइन कैसे होना है। टेलीग्राम बहुत सारे फेक चैनल बन गए हमारे, फैंटेसी क्रिकबॉल नाम से बहुत मार्केट में फेक चैनल बन गए, तो उन चैनलों में नहीं फंसना है। वो आपको GL का दिलासा देके पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं यार, तो उन चक्रों में नहीं पड़ना है, क्योंकि हम आपको बिल्कुल फ्री में टीम देते हैं, 1 रुपए नहीं लगने वाले हैं, कोई चार्ज नहीं है, नॉट अ सिंगल पेनी। तो आपको सिर्फ और सिर्फ जाके ज्वाइन हो जाना है, आप जाके टेलीग्राम पे सर्च कर लेना, फैंटेसी क्रिकबॉल ऑफिशियल नाम से हमारा चैनल है। अगर आप फैंटेसी क्रिकबॉल सर्च करोगे तो वो भी ऑलरेडी किसी ने चोरी कर लिया है, तो आप फैंटेसी क्रिकबॉल ऑफिशियल नाम से सर्च करना। हालांकि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, मोर के ऑप्शन पे जाओगे तो वहां से आप लिंक से डायरेक्ट ज्वाइन हो जाओगे, हमारे फैमिली का हिस्सा बन जाओगे। लेकिन कमेंट बॉक्स में सबसे टॉप पे मैंने पिन किया हुआ है अपने चैनल के लिंक को, वहां से भी ज्वाइन हो सकते हो, तो बहुत इजी है यार, फटाक से ज्वाइन हो जाना, क्योंकि गिव अवे में आपको पता है कि यहां पर हमारा कुछ स्पेशल जो रहने वाली है चीजें, वो ये है कि 3 कंडीशन आपको फॉलो करनी पड़ेगी। पहली कंडीशन ये होगी कि आप वीडियो को स्किप नहीं कर सकते हो, दूसरी कंडीशन ये रहने वाली है कि आपसे जो भी चीजें पूछी जाएगी उसका आपको सबसे पहला जवाब देना पड़ेगा, तीसरी कंडीशन आपको टेलीग्राम का मेंबर होना जरूरी है। और विनिंग करा रहे हैं यार, विनिंग करा रहे हैं, फ्री में कोई टीम दे रहा है, तो एटलीस्ट एज अ सजेशन ही आप जाके देख सकते हो। बाकी गाइस देखो, आप मुझसे पूछ रहे थे ना इस IPL में खेलना कहाँ है, तो इस IPL में खेलना है विजन 11 के साथ, क्योंकि विजन 11 लेके आ चुका है आपके लिए बम्पर डिपॉजिट ऑफर। मतलब ये डिपॉजिट ऑफर, आप देखो, आप अगर स्मॉल डिपॉजिट भी करते हो, अगर आप छोटा डिपॉजिट करना चाहते हो, आपके पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं लेकिन आप खेलना चाहते हो, 500 से स्टार्ट हो जाएगा ये डिपॉजिट ऑफर, और आपको देखो 10% से ज्यादा रियल कैश मिल रहा है यहाँ पर। किसी भी ऐप पे आपको 2-3% मिलने वाला है, लेकिन यहाँ पर आपको मिलेगा 10%, तो फटाक से ज्वाइन हो जाओ। 1,000 पे आपको 111 रुपये मिलने वाले हैं, 10,000 पे 1,111 मिलने वाले हैं गाइज, ये आंकड़े बहुत इंप्रेसिव लग रहे हैं मुझे। 20,000 पे 2,222 रुपये मिल रहे हैं, और 50,000 अगर आप डिपॉजिट करते हो तो यहाँ पर आपको काफ़ी इंप्रेसिव नंबर है 5,555।
तो ये डिपॉजिट ऑफर सिर्फ एक दिन बचा है, आज लास्ट डेट है, फटाक से जाके इसका लुत्फ उठाओ क्योंकि आगे की तैयारी करनी है। एक्स्ट्रा पैसे के साथ एक्स्ट्रा कॉन्टेस्ट हम खेल सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, फटाक से जाके वहां से डाउनलोड कर लो एप्लीकेशन को। बाकी देखो और चीजें हम आपको बताने वाले हैं यहाँ पर, इस ऐप के बारे में कुछ खासियत बता देते हैं। यहाँ पर आपको देखो क्या क्या चीजें मिलने वाली है। पहली चीज सेकंड इनिंग, फर्स्ट इनिंग में अगर हार जाते हो तो सेकंड इनिंग में भी टीम बना के जीत सकते हो। इंस्टेंट विड्रॉल, विड्रॉल सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारे फैंटेसी यूजर के लिए कि आपने विड्रॉल लगाया और एक सेकेंड में आपके अकाउंट में, वो यहाँ पर आपको मिलने वाला है। डेली 50,000 का गिव अवे और लास्ट 1,00,000 तक का गिव अवे मिलता है, बिना एक भी पैसा लगाए आप ज्वाइन कर सकते हो। साइन अप करते ही आपको 500 रुपए का बोनस मिलेगा जिसको आप यूज कर सकते हो फर्दर गेम में। लोएस्ट एंट्री फी, विजन से कम एंट्री फी किसी भी ऐप पे नहीं मिलती और यही एक वजह है विजन के सक्सेसफुल का। यहाँ पर रैंक क्लैश होने का प्रोटेक्शन होता है गाइस, आपके क्लैश में आपके पैसे नहीं जाने वाले हैं। इसके बाद अगर हम बात करें मल्टीपल ज्वाइनिंग कॉन्टेस्ट, रिवर्स फैंटेसी कर सकते हो, बॉलिंग फैंटेसी, बैटिंग फैंटेसी, क्विक कस्टमर सपोर्ट, इसके अलावा 1 करोड़ का लीडर बोर्ड इस IPL में। कितना खतरनाक ऑप्शन है, इतने सारे फीचर सिंगल ऐप में, तो क्या कर रहे हो यार, फटाक से जाके ज्वाइन कर लो विजन 11 को, लिंक डिस्क्रिप्शन में रोज बताती हूँ, जल्दी से डाउनलोड कर लो। और आज के कॉन्टेस्ट में क्या खास होने वाला है, गुजरात टाइटंस और दिल्ली कैपिटल के बीच के कॉन्टेस्ट में जैसा मैंने आपको पहले बताया आपको मिलने वाला है यहाँ पर 50,000 का गिव अवे, पैसे भी नहीं लगने हैं, एक भी पैसा नहीं लगना है, सिर्फ और सिर्फ आपके फोन में विजन होना जरूरी है और कुछ नहीं। इसके अलावा देखो यहाँ पर आपको ये एंट्री फी 45 रुपए में आप 10,00,000 रुपए जीत सकते हो, पहला प्राइस 10,00,000 रुपए का है सिर्फ 45 रुपए ला के, तो फटाक से यार अब तो बनता है, अब इतना बातें बताती हूँ, अब तो ज्वाइन हो जाना गाइस। चलिए अब वीडियो को आगे बढ़ाएंगे, बहुत सारी बातें हो गई है, वीडियो को जल्दी जल्दी खत्म भी करना, आप कहते हो बहुत टाइम लेती हूँ। बात करेंगे यहाँ पर मैच वेन्यू की, ये मुकाबला अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में होने वाला है, वन ऑफ द फाइनेस्ट पिच इन T20 फॉर्मेट में अगर हम बात करें, बहुत ही अच्छी पिच है, बैटर्स इंजॉय करने वाले हैं यहाँ क्योंकि क्विक बाउंड्री, तेज आउटफील्ड है, तो वहां पर बल्लेबाजी, मतलब हम एक ना बड़ा स्कोरिंग मैच देखने वाले हैं, जैसा कि हम चाहते भी हैं कि बहुत स्कोर बने, लंबे लंबे छक्के चौके, इधर से शुभमन गिल मार रहे हैं, इधर से चीजें हो रही है, मतलब इस तरह का मैच देखने को मिले, वार्नर का वॉर इस मैच में देखने को मिले और यहाँ पर पेसर को काफी ज्यादा मदद है, स्टैट्स चीजें और क्लियर करके रख देगी। बात कर लेते हैं गाइस, देखो इस पिच पे टोटल 77 मैच खेले जा चुके हैं जिसमें से फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम ने 35 मैच जीते और सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने 42 मैच जीते, तो चेस करने वाली टीम के जीतने के चांसेस थोड़े से ज्यादा होने वाले हैं। एवरेज स्कोरिंग फर्स्ट इनिंग 166 है, हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो दिल्ली कैपिटल ने यहां पर सबसे हाईएस्ट स्कोर बनाया है 231 पे, 4 विकेट है। लोएस्ट स्कोर भी दिल्ली कैपिटल की तरफ से बनाया गया था, 66 रन बना के पूरी टीम वापस लौटी थी। स्कोरिंग पैटर्न की बात करेंगे, 150 से नीचे का स्कोर 21 बार बन चुका है, 150 से 69 का स्कोर 21 बार बन चुका है, 170 से 189 की बात करें तो 20 बार बन चुका है और 190 प्लस का स्कोर 15 बार बन चुका है। तो जैसा आप आंकड़े देख पा रहे हो 190 प्लस मैचेस होते हैं और इस मैच को जैसा कि ऑलमोस्ट हमारा प्रेडिक्शन अभी तक के सारे मैच में सही गया है, तो इस मैच को हम प्रेडिक्ट करने वाले हैं कि ये मैच मुझे लग रहा है 180 प्लस का मैच जाने वाला है। लास्ट कुछ मैच की बॉलिंग अटैक की बात करें तो आप देखो पेसर्स को काफी ज्यादा मदद है, लेकिन यहाँ पर स्पिनर्स को भी मदद मिलने वाली है। पिच पे आखिरी कुछ मैचेस की बात करेंगे, लास्ट कुछ खेले गए मैचेस उसमें किस तरह का स्कोर बना था, किसने कैसा परफॉर्म किया था, विकेट किसको ज्यादा मिली थी, आपके पेसर स्पिनर ने किसने बाजी मारी थी। बात करेंगे यहाँ पर गाइस, देखो यहाँ क्योंकि देखो काफी टाइम बाद मैच खेले जा रहे हैं, तो रीसेंट के मैच की बात करेंगे, जीजी वर्सेस आईसी जिसमें कि जीजी ने 152 रन फर्स्ट इनिंग में बनाया और चेस करने वाली टीम ने 6 विकेटों से उस मैच को जीत लिया था। टोटल 11 विकेटें गिरी थी जिसमें फर्स्ट इनिंग में स्पिनर को मिली है 4 विकेट, पेसर को मिली है 3 विकेट, सेकेंड इनिंग में स्पिनर को मिली है 4 विकेट, पेसर को 1 विकेट नहीं मिली है, तो इस मैच में टोटल 8 विकेटें आपके स्पिनर्स निकाल के गए।
एक और मैच की तरफ बात करेंगे, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, जहां पर इंडिया ने फर्स्ट बैटिंग करते हुए 211 रन बनाए थे, 4 विकेट खोकर साउथ अफ्रीका ने उस मैच को जीत लिया था 7 विकेटों से। टोटल वहां पर 7 विकेटें गिरी थी। फर्स्ट इनिंग में स्पिनर्स को मिली थी 1 विकेट, पेसर को मिली थी 3 विकेट, फर्स्ट सेकेंड इनिंग में स्पिनर को मिली थी 1 विकेट और पेसर को मिली थी 2 विकेट। तो ये दूसरे वाले मैच में, देखो इंटरनेशनल मैच में चीजें थोड़ी डिफरेंट हो जाती हैं, वहां पर आपके पेसर्स का ही दबदबा देखने को मिला था, जैसा कि इस मैच में भी होने वाला है। एक और मैच की तरफ बात करेंगे, यहाँ बात करेंगे ऐसे एमटी के कर वर्सेस तमिलनाडु, कर्नाटका तमिलनाडु का मैच था, जिसमें यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में कर्नाटका ने 151 रन बनाए थे, 7 विकेटें खोकर उस मैच को तमिलनाडु ने 4 विकेटों से जीत लिया था। टोटल विकेटें 13 गिरी थी। स्पिनर को फर्स्ट इनिंग में मिली 4 विकेट, पेसर को मिली 2 विकेट, सेकेंड इनिंग में स्पिनर को मिली 4 विकेट और पेसर को मिली 2 विकेट। तो गाइस जैसा आप देख पा रहे होंगे, स्पिनर्स ने 3 में से 2 मैच में ज्यादा विकेटें निकाल के दी है। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर क्या होने वाली है दोनों टीमों की प्लेइंग 11। सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली के धुरंधरों की, ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे डेविड वार्नर, वन ऑफ द फेवरेट प्लेयर, बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ मैं इनको, क्योंकि लास्ट मैच में अगर आपने देखा होगा ना, दिल्ली वहां पर हारी जरूर थी, लेकिन डेविड वार्नर ने अपना काम कर दिया था, 50 रन बना दिए थे। हमारी फैंटेसी में बहुत होता है यार, अगर आप कैप्टन के लिए, वाइस कैप्टन के लिए सोचते हो और वो बंदा आपको 50 प्लस पॉइंट दे दे तो इनफ है, आधा कॉन्टेस्ट तो आप इजिली वहां से जीत गए। यहाँ भी स्मॉल लीग की बात कर रहे हैं तो इस तरह से डेविड वार्नर का वॉर इस मैच में देखने को मिलेगा। लेकिन लास्ट मैच दिल्ली हारी थी ना, कमजोर कड़ी इनकी मिडिल ऑर्डर, आपके टॉप ऑर्डर ने जहां विकेटें खोई, पृथ्वी शॉ जल्दी आउट हो गए, डेविड वार्नर एक टाइम के बाद 50 प्लस बना के वो भी आउट हो गए, मिडिल ऑर्डर पूरा कोलैप्स कर गई, वहां से ये मैच पीछे चले गए। इनका साथ देते हुए दिखेंगे पृथ्वी शॉ, यहां से अगर आप किसी को ड्रॉप करने की सोच रहे हो तो आप यहां से पृथ्वी शॉ को ड्रॉप कर सकते हो। पृथ्वी शॉ वो खिलाड़ी है ना, जो मुझे लगता है 10 में से 3-4 मैच में चलते हैं, ऑलमोस्ट मैच में वो फेल होते हैं। फर्स्ट राउंड बैटिंग करने आएंगे मिचेल मार्श। मिचेल मार्श से लास्ट टाइम इतनी ज्यादा उम्मीद लगाई गई थी कि यार ये बैट बॉल सबसे पॉइंट लाएंगे, कैप्टन बना लो इनको, ठोक दो कैप्टन के लिए, लेकिन क्या कुछ किया, कुछ नहीं किया था। तो ये याद रखिएगा, मिचेल मार्श के साथ इस बार भी थोड़ा रिस्क होगा, लेकिन काफी सेफ है, वॉइस कैप्टन के लिए आप जा सकते हो। फिर नजर आने वाले हैं सरफराज खान, रिले रॉसो से इस मैच में उम्मीद लगाई जा सकती है। फिर नजर आएंगे रोमन पॉवेल, बैक टू बैक देखने को मिलेंगे अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, इनको 1 विकेट मिली थी लास्ट मैच में, चेतन सकारिया को 2 विकेट मिली थी, मुकेश कुमार नजर आएंगे जिनको 1 भी विकेट नहीं मिली थी, और एट लास्ट खलील अहमद को उस मैच में 2 विकेट मिली थी। ये कुछ आईपीएल के स्पेशल प्लेयर होते हैं, उसमें से एक नाम है खलील अहमद, जो कि आईपीएल में आपको मैक्सिमम हर मैच में विकेट निकाल के देते हैं। यहां पर देखो, मुझे लग रहा है इस मैच में नोकिया और एंगिडी भी आ चुके हैं, तो अगर इस मैच में हो सकता है दिल्ली कुछ चेंजेस कर दे और नोकिया और एंगिडी को टीम में वापसी हो सकती है, इस मैच में खेल सकते हैं, तो ऐसे कुछ चेंजेस होने वाले हैं जो अपडेट आपको मिलेंगे टेलीग्राम पे, उसके लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा, तो ज्वाइन हो जाओ गाइस, तुम्हारा ही फायदा होने वाला है। चलिए बात करेंगे इन सारे खिलाड़ियों के आखिरी 5 मुकाबले के स्टैट्स की, क्योंकि बिना ये स्टैट्स के आप टीम नहीं बना सकते, और स्पेशली अगर आप जीएल के बारे में सोच रहे हो, अगर आप जीएल जीतने की सोच रहे हो, तो ये स्टैट्स के बिना टीम नहीं बनने वाली है, क्योंकि बहुत आंकड़े आप देखोगे पिच पे, हेड टू हेड, इतना जितना देखोगे उतना ज्यादा कंफ्यूज होगे, और यहाँ कंफ्यूज करने मैं आपको नहीं आई हूँ, मैं आपका कंफ्यूजन दूर करने आई हूँ। तो यहाँ से हम डिसाइड करेंगे कि सेफ प्लेयर कौन होने वाले हैं, रिस्की प्लेयर कौन होने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले लेना है स्क्रीनशॉट। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं, डेविड वार्नर लेफ्ट हैंडेड बैटिंग 36 11 15 23 56 रन, पृथ्वी शॉ राइट हैंडेड बैटिंग 72 50 379 56, आखिरी मैच में 12 रन बने थे, राइट हैंडेड बैटिंग राइट आर्म मीडियम बॉलिंग मिचेल मार्श 56 81 66 47 आखिरी मैच में केवल 1 रन बने थे। यहाँ पर मिचेल मार्श मुझे ऐसा लग रहा है इस मैच में चलने वाले हैं, बाकी ना खेले तो बात ही अलग है, वैसे बड़ा नाम है इतने जल्दी नहीं बैठाए जाएंगे। सरफराज खान राइट हैंडेड बैटिंग विकेट कीपिंग 95 177 88 28 125 आखिरी मैच में केवल 4 रन बने थे। रिले रॉसो लेफ्ट हैंडेड बैटिंग 52 10 16 42 30 रन, रिले रॉसो अपना काम हर मैच में करके जाते हैं, आपको 30-40 रन दिला के जाते हैं, तो काफी सेफ बैटिंग ऑप्शन में होते हैं। पॉवेल की बात कर लेंगे, राइट हैंडेड बैटिंग 2 रन 43 रन 28 रन 11 रन 1 रन। अक्षर पटेल लेफ्ट हैंडेड बैटिंग लेफ्ट आर्म लेग स्पिन 27 रन 0 विकेट 89 रन 2 विकेट 29 रन 0 विकेट 2 विकेट 1 विकेट।
अक्षर पटेल को देखो विकेट मिल रही है और यहाँ भी एटलीस्ट आपको एक विकेट तो लेके जाएंगे, तो थोड़ा सेफ ऑप्शन हो जाते हैं। कुलदीप यादव लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिन बॉलिंग, 0 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 3 विकेट 1 विकेट, कुलदीप को देखो विकेट मिलती है यार, 2-3 ओवर तो इनके पावर प्ले में ही आ जाते हैं। चेतन सकारिया लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट बॉलिंग, 0 विकेट 0 विकेट 7 विकेट 6 विकेट, आखिरी मैच में 1 विकेट मिली थी। मुकेश कुमार राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलिंग, 4 विकेट 3 विकेट 4 विकेट 4 विकेट, आखिरी मैच में विकेट नहीं मिली है। खलील अहमद लेफ्ट आर्म मीडियम बॉलिंग, 0 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 1 विकेट, आखिरी मैच में 1 विकेट मिली। आखिरी के 4 के 4 मैच में खलील अहमद को विकेट मिली है, इससे पता चलता है कि खलील अहमद की फॉर्म अच्छी चल रही है, फंसा देते हैं अपने गेंद में और यहाँ पर भी फंसा सकते हैं गुजरात टाइटंस के 1-2 खिलाड़ियों को। अब आपको हम बताने वाले हैं यहाँ पर बॉलिंग ऑर्डर क्या रहने वाली है, क्योंकि आपको वह जाना रहता है बॉलिंग ऑर्डर के बारे में, कौन कब बॉल डालने वाला है, और ये इंपॉर्टेंट भी है। जब तक हमें पता नहीं रहेगा ना पावर प्ले में किसकी बॉल आने वाली है, डेथ में किसकी बॉल आने वाली है, मिडिल ऑर्डर में कौन बॉल कराने वाला है, तब तक टीम बनाने में मुश्किल होगी। तो पावर प्ले में आएंगे खलील अहमद, चेतन सकारिया, मुकेश कुमार, मिडिल ऑर्डर में बॉल डालेंगे अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, डेथ में बॉल आएगी खलील की, चेतन सकारिया की और मुकेश कुमार की। डेथ में देखो चेतन को 1 विकेट मिलनी कंफर्म है, खलील को 1 विकेट मिलनी कंफर्म है, 2 भी मिल सकती है। अगर हम बात करें मिडिल ऑर्डर में, अक्षर पटेल 1 से 2 विकेट निकाल सकते हैं, चेतन सकारिया को ओपनिंग में मुझे लग रहा है 1 विकेट मिल सकती है। ऑलमोस्ट ऐसे ही कुछ मैच होने को मिलेगा, ये मेरा प्रेडिक्शन है। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लो, बाद में देख भी लेना। अब बात करेंगे यहाँ पर प्लेयर्स बैटल की, दिल्ली के प्लेयर्स बैटल, लाइक डेविड वार्नर को परेशान किया है मोहम्मद शमी की गेंद ने, 8 इनिंग में 83 रन 61 गेंदे, 2 बार आउट हो चुके हैं। अल्जारी जोसफ 1 इनिंग में पहली ही बॉल पे आउट किया था अल्जारी जोसफ ने, खतरनाक, मतलब दोनों ही यार इधर तो नाम ही वही दिखते हैं आपके, शमी, अल्जारी जोसफ और राशिद तीसरा नाम, 3 बॉलर 3, 2 उसमें से 2 ने डेविड वार्नर को परेशान किया, पृथ्वी शॉ को परेशान किया है मोहम्मद शमी ने, 6 इनिंग 40 रन 30 बॉल 1 विकेट। और शमी पावर प्ले में बॉल डालेंगे और शमी परेशान कर रहे हैं यहाँ वार्नर और पृथ्वी शॉ को, ये सोचने वाली पॉइंट है आपके लिए, मेरा इशारा काफ़ी है। राशिद खान ने परेशान किया, 3 इनिंग में 22 रन 15 बॉल 1 बार आउट कर चुके हैं। देखो यहाँ पर शमी और राशिद दो नाम निकल के आ चुके हैं। मिचेल मार्श को ऐसा किसी ने परेशान नहीं किया है, मतलब कि मिचेल मार्श के आंकड़े अच्छे हैं गुजरात टाइटंस के बॉलर्स के खिलाफ, तो मिचेल मार्श का बल्ला इस मैच में बोलने वाला है। रिले रॉसो की अगर हम बात करें तो राशिद खान ने इनको भी परेशान किया, 9 इनिंग में 44 रन 47 गेंदे, 4 बार आउट कर चुके हैं। मिडिल ऑर्डर में रिले रॉसो राशिद को अपनी विकेट थमाने वाले हैं। अल्जारी जोसफ ने भी परेशान किया है, 2 इनिंग में 10 रन 5 गेंदे 1 विकेट 1 बार आउट हो चुके हैं। तो आंकड़े आपके सामने है गाइस, 3 नाम यहां से निकल के आ चुके हैं, राशिद खान, मोहम्मद शमी, अल्जारी जोसफ, और एज यूजुअल अपने आखिरी मैच में भी तीनों ने धमाका मचाया था। चलिए जान लेते हैं गुजरात के शेर की क्या होने वाली है प्लेइंग 11। ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे नन ऑफ देम शुभमन गिल, जिन्होंने लास्ट मैच में 60+ की पारी खेली थी और बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। रिसेंट वैसे ODI वाले मैच में नहीं दिख रहा है, तो सीरीज में तो पूरा आउट ऑफ फॉर्म थे, लेकिन फॉर्म अच्छी है। इस मैच में भी शुभमन का बल्ला बोलने वाला है, उनका साथ देते हुए नजर आएंगे रिद्धिमान साहा। रिद्धिमान साहा भी एक बहुत बेटर ऑप्शन हो सकते हैं विकेट कीपिंग में। फिर एक फर्स्ट राउंड बैटिंग करने आएंगे विजय शंकर। विजय शंकर को आप यहाँ से ड्रॉप कर सकते हो, हार्दिक पांड्या को तो हर कोई लेने वाला है, इवन सी और VC के लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं। यहाँ पर देखो लास्ट मैच में केन विलियमसन को थोड़ी सी नी में इंजरी हुई है, तो तीसरा चेंज जो मैंने बात की थी ये चेंज ये होने वाला है कि यहाँ पर केन विलियमसन के जगह डेविड मिलर द किलर खेलने वाले हैं गुजरात टाइटंस को, और भी खतरनाक करते हुए डेविड मिलर। फिर नजर आएंगे राहुल तेवतिया, जिनकी बात मैंने आपसे कही थी कि आखिरी कुछ गेंदों पे छक्के लगाने की ताकत रखते, और आखिरी मैच अगर आपने देखा होगा तो वही किया अभी था। फिर नजर आएंगे खान साहब। खान साहब का तो भाई जितना भी तारीफ की जाए उतनी कम है, बॉलिंग से तो पॉइंट दिलाना बनता है, बैटिंग से भी पॉइंट दिला दे रहे हैं, वाइस कैप्टन के लिए इनसे बेस्ट ऑप्शन कोई नहीं होने वाला है। फिर नजर आएंगे मोहम्मद शमी, पावर प्ले स्पेशलिस्ट, पावर प्ले में 1-2 विकेट निकालेंगे। फिर नजर आएंगे जोसुआ लिटिल। यहाँ से आप देखो जोसुआ लिटिल को ड्रॉप कर सकते हो, हालांकि गुजरात फर्स्ट बैटिंग करने आएगी तो आप ले सकते हो। यश दयाल यहाँ कमजोर कड़ी है, एट लास्ट अल्जारी जोसफ विकेट टेकर बॉलर हर मैच में आपको 1 से 2 विकेट निकाल के देने वाले हैं। चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन सारे खिलाड़ियों के आखिरी 5 मुकाबले के स्टैट्स की, क्योंकि बिना ऐसे स्टैट्स के GL और SL की टीम बन सकती है क्या? नहीं बन सकती है। तो सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से।
बात कर लेते हैं शुभमन गिल राइट हैंडेड बैटिंग 128 20 0 37 63 रन, रिद्धिमान साहा राइट हैंडेड बैटिंग विकेट कीपिंग 77 5 25, विजय शंकर राइट हैंडेड बैटिंग राइट आर्म मीडियम बॉलिंग 121 107 एक विकेट 112 0 विकेट 63 रन 0 विकेट, आखिरी मैच में भी 27 रन बने हैं। हार्दिक पांड्या राइट हैंडेड बैटिंग राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलिंग 30 रन 4 विकेट 25 रन 1 विकेट 0 विकेट 40 रन 3 विकेट, आखिरी मैच में ना ही रन बने ना ही विकेट मिली है। डेविड मिलर लेफ्ट हैंडेड बैटिंग 48 10 11 0 और लास्ट मैच में अपने 91 रन की पारी खेली है। राहुल तेवतिया लेफ्ट हैंडेड बैटिंग राइट आर्म लेग स्पिन बॉलिंग 25 रन 2 विकेट 19 रन 3 विकेट 10 रन 0 विकेट 29 रन 2 विकेट, आखिरी मैच में 15 रन बने थे। राशिद खान राइट आर्म लेग स्पिन बॉलिंग 2 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 2 विकेट। खान साहब की खासियत आप देखो, आखिरी के 5 के 5ों मैच में खान साहब को यहां विकेट मिली है। वन ऑफ द फेवरेट चॉइस इस मैच में मेरे रहने वाले हैं। मोहम्मद शमी राइट आर्म फास्ट बॉलिंग 2 विकेट 3 विकेट 0 विकेट 0 विकेट, आखिरी मैच में 2 विकेट और शमी के आंकड़े अच्छे हैं दिल्ली के खिलाफ। जोशुआ लिटिल लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट 4 विकेट 2 0 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 1 विकेट, जोशुआ लिटिल को एक एक विकेट मिल रही है। यश दयाल लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट बॉलिंग 0 0 1 0 0, 4 में से सिर्फ 1 में विकेट मिली है वो भी 1। राइट आर्म फास्ट बॉलिंग कराते हैं अल्जारी जोसफ 3 विकेट 3 विकेट 1 विकेट 5 विकेट 2 विकेट, एवरेज अल्जारी जोसफ का राशिद खान के ही जैसा है, 2+1 2+3 ऐसे विकेट निकाल रहे हैं, बहुत सेफ ऑप्शन हो जाते हैं अपने टीम में रखने के लिए। जान लेते हैं बॉलिंग ऑर्डर क्या रहने वाली है क्योंकि ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है, कौन कब बॉल डालने आएगा। जैसा मैंने आपको पहले बताया शमी पावर प्ले में वार्नर और पृथ्वी शॉ को परेशान करेंगे तो वहाँ पर एक विकेट मिलनी कंफर्म है। जोशुआ लिटिल हार्दिक पांड्या को अगर हार्दिक नज़र आए अगर फॉर्म में एक विकेट यहाँ इनको मिल सकती है। यश दयाल मिडिल ऑर्डर में विकेट मिलेगी, खान साहब को एक विकेट, हार्दिक पांड्या यश दयाल डेथ में अल्जारी को कम से कम 2 विकेट मिलेगी, जोशुआ लिटिल मोहम्मद शमी को भी वहाँ 1 विकेट मिलेगी। ऑलमोस्ट देख लेना मैच में चीज़ें यही रहने वाली है। चलिए जान लेते हैं प्लेयर्स बैटल के बारे में, बिना प्लेयर्स बैटल जाने प्लेयर सिलेक्शन कैसे करोगे। शुभमन गिल खलील अहमद के सामने 4 इनिंग 38 गेंदे 25 रन 2 बार आउट हो चुके हैं। खलील अहमद भाई बॉल डालेंगे पावर प्ले में। कुलदीप यादव ने तो अभी तक आउट नहीं किया, परेशान जरूर किया, लेकिन खलील के सामने सुमन का बल्ला नहीं बोलेगा। रिद्धिमान साहा को परेशान किया है कुलदीप यादव ने, 2 इनिंग 26 रन 15 गेंदे 1 बार आउट कर चुके हैं। हार्दिक पांड्या को किसने परेशान किया, सेम खलील अहमद, 2 इनिंग में 8 गेंदे 8 रन 2 बार आउट हो चुके हैं। अक्षर पटेल 4 इनिंग 18 रन 17 गेंदे 1 बार आउट कर चुके हैं। डेविड मिलर को परेशान किया सेम अक्षर पटेल ने, 2 इनिंग में 1 रन 2 बॉल 1 बार आउट हो चुके हैं। तो यहाँ पर आपके की प्लेयर निकले हैं खलील अहमद और अक्षर पटेल, जिनके खिलाफ गुजरात टाइटन थोड़े से घुटने टेक सकती है, तो ये यहाँ से आपके की प्लेयर निकल चुके हैं। गाइस चलिए अब हम क्या बात करने वाले हैं, बात करने वाले हैं दोनों टीमों के हेड टू हेड मुकाबले की, जब आपस में भिड़ती हैं तो किस तरह का मैच देखने को मिलता है। तो अगर दोनों टीमों के स्टैट्स की बात करूं, एक ही बार भिड़ी है उस मैच में गुजरात टाइटंस ने जीत मारी थी और यहां भी जीतने के आसार बहुत ज्यादा है। 2nd of April 2022 मार्च नंबर 10 IPL का वो मैच था, गुजरात टाइटंस ने फर्स्ट बैटिंग करते हुए 171 रन बनाए थे, DC ने उसके खिलाफ 157 रन पर घुटने टेक दिए और 14 रन से गुजरात उस मैच को जीत ली। वहां से की प्लेयर कौन निकले, शुभमन गिल 84 रन, हार्दिक पांड्या 21 रन, डेविड मिलर 20 रन, शमी 2 विकेट, पांड्या 1 विकेट, राशिद खान 1 विकेट। ऑलमोस्ट जिन की प्लेयर के बारे में आपको मैंने बताया वही की प्लेयर है। दिल्ली की तरफ से पृथ्वी शॉ अगेन आउट, इसलिए मैंने कहा आप इनको मत लेना। ऋषभ पंत अच्छा खेले थे लेकिन बेचारे ऋषभ पंत नहीं होने वाले हैं। पावल 20 रन, मुस्तफिजुर रहमान 3 विकेट, मुस्तफिजुर रहमान 8 अप्रैल से पहले नहीं आने वाले हैं तो उनका कोई नामो निशान नहीं रहेगा अभी तो। खलील अहमद 2 विकेट, कुलदीप यादव, इधर से मुझे खलील कुलदीप ही दिख रहे हैं दो ऑप्शन जो कि काफी बेटर हो सकते हैं, इस मैच में अच्छा पॉइंट दिला सकते हैं। चीजें गाइस चलिए मैच प्रेडिक्शन क्या रहने वाला है इस मैच में कि बाजी कौन मारेगा। मेरा प्रेडिक्शन एज यूजुअल वेरी क्लियर है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करने वाले। मेरा प्रेडिक्शन ये कहता है कि इस मैच में गुजरात टाइटंस इस मैच को वन साइडेड विनिंग करने वाली है और जीत के साथ आगे बढ़ने वाली है, तो गुजरात जीतेगी ऐसा मेरा प्रेडिक्शन है। दोनों टीमों की रीसेंट फॉर्म की बात करें तो गुजरात अपने आखिरी 5 में से 4 मैच जीती है, वहीं बात करें दिल्ली कैपिटल की तो आखिरी 5 में से सिर्फ और सिर्फ 2 मैच जीती है। तो अगर हम आंकड़ों का कंपैरिजन यहां से करें तो सीधे सीधे आंकड़ों में भी गुजरात टाइटन्स बहुत भारी दिखाई दे रही है दिल्ली कैपिटल के कंपैरिजन में।
तो चीजें काफी टफ रहने वाली है गाइस। मैच प्रेडिक्शन सब कुछ आपको बता दिया, प्लेयर स्टैट, की स्टैट, मैच प्रेडिक्शन। आज का गिव अवे स्पेशल वीडियो है, आपको बड़ा गिव अवे मिलने वाला है। तो यहाँ पर एक इजी सा चीज आपको करना है, आपको करना है एक बेस्ट कमेंट। इस वीडियो का सबसे बेस्ट कमेंट, सबसे अच्छा कमेंट कर देना है। लेकिन उसके बाद भी आप विनर नहीं बन सकते, क्योंकि मैं डिसाइड नहीं करने वाली हूँ, आपके ऊपर ये जिम्मेदारी छोड़ती हूँ। जिसके कमेंट पे सबसे ज़्यादा लाइक आने वाला है, वो किसी का भी कमेंट हो सकता है, जिसके भी कमेंट पे सब मोस्ट ऑफ द लाइक कमेंट, जो लोगों को पसंद आएगा किसने भाई सबसे अच्छा कमेंट किया, वो इस वीडियो का विनर बनने वाला है। तो हमारे दो स्पेशल विनर आज के होने वाले हैं। चलिए गाइस, चलते हैं अपने वीडियो के सबसे मेन पॉइंट की तरफ, जो है हमारी फैंटेसी टीम। हमने अपनी टीम में कौन कौन से प्लेयर को चूज किया है, तो सबसे पहले ले लो टीम का स्क्रीनशॉट, प्रीव्यू आपके सामने। हमारी सेम टीम के भी साथ जाओगे तो विनिंग होगी, और खतरनाक विनिंग होगी। जैसे मैंने पहले आपको बताया, बहुत बार आपने ऐसा देखा होगा कि हमारे टेलीग्राम से भी बेस्ट टीम हमारी यूट्यूब की भी हो जाती है। तो ट्राई इट यार, इवन अ चांस आप एक बार ट्राई कर सकते हो। यहाँ पर देखिए, हमने सेलेक्ट किया है विकेट कीपर में रिद्धिमान साहा, बैटर्स में डेविड वार्नर, रिले रॉसो, पृथ्वी शाह, सुमन गिल, ऑलराउंडर में चॉइस होगी अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या, मिचेल मार्स। बॉलर में हम चूज करने वाले हैं खलील अहमद, जोसुआ लिटिल, राशिद खान। यहाँ से मुझे लग रहा है अगर आप चाहो तो पृथ्वी शॉ के जगह यहाँ पर आप अल्जारी जोसफ के साथ जा सकते हो, तो ये एक ऑप्शन बन सकता है। बाकी इस मैच के कैप्टन की सबसे बेस्ट चॉइस रहने वाले हैं हार्दिक पांड्या, सेफ ऑप्शन है स्मॉल लीग में, इनसे सेफ कुछ नहीं होगा। और इनको ना, अगर आप जब कैप्टन नहीं बनाओगे ना, तो उस मैच में ये 3 विकेट निकाल के देगा, तो उस गलती को नहीं करना है। तो बना लो कैप्टन, वो इस कैप्टन के लिए डेविड वार्नर काफी बेस्ट और सेफ ऑप्शन हो सकते हैं। खान साहब भी मुझे बहुत सेफ लगते हैं, इनके साथ भी आप वो इस कैप्टन के लिए जा सकते हो। खतरनाक टीम है, स्क्रीनशॉट लो, सेम टीम के भी साथ जाओगे, 60-70% कॉन्टेस्ट जीत के आओगे, लिख के ले सकते हो, जीतने वाले हो। बाकी हम जीएल में देखें और कितने कॉम्बिनेशन लगा सकते हैं। तो अगर हम बात करें जीएल पिक की, तो यहाँ पर मेरे पहले बहुत रिस्की ऑप्शन होंगे पृथ्वी शॉ, लेकिन देखो एक बात मैं पहले ही बता दे रही हूँ, इनके साथ रिस्क जुड़ा है, लेने से पहले अपने रिस्क पे लेना, मैं नहीं जाने वाली हूँ। डेविड मिलर के साथ आप रिस्क ले सकते हो। इसके अलावा मुकेश कुमार, हार्दिक पांड्या, रोमन पॉवेल, पॉवेल हो सकता है इस मैच में आपको 40-50 रन बना के दे दें, एंड यस दयाल। तो ये मेरे कुछ टॉप पिक हैं ग्रैंड लीग के लिए। अगर आप ग्रैंड लीग में टीम बना के जीतना चाहते हो तो फॉलो कर लो, और इन सारे प्लेयर्स को ट्राई कर लेना, वेरिएशन ट्राई करना। हर एक कंपनी आपको जीएल में टीम नंबर ऑफ टीम के ऑप्शन देती है, तो आपके पास चांसेस होता है वहां पर नंबर ऑफ कैप्टन, वॉइस कैप्टन में वेरिएशन डालने का, डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस करने का। तो आप अपने 9 बेस्ट प्लेयर, दोनों टीम से 9 बेस्ट प्लेयर सेलेक्ट करके पहले ही हटा लो। 2 प्लेयर को फ्लक्चुएट करना है और कैप्टन वॉइस कैप्टन में वेरिएशन डालते रहना है, यही एक इलाज है। बाकी किस्मत साथ देगी तो जीतने से कोई नहीं रोकने वाला है, जीत के जाओगे उस दिन, जीएल के सपने जो देखते हो साकार हो जाएंगे। बाकी गाइस देखो, आपको पता है हमारी फाइनल टीम यहाँ नहीं आने वाली है, हमारी फाइनल टीम आएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जाके ज्वाइन कर लो हमारा टेलीग्राम चैनल फैंटेसी क्रिकबॉल, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और वहां पर आएगी हमारी लास्ट और बेस्ट विनिंग टीम, जो आती है टॉस के बाद, लाइनअप आने के बाद, जब हमें पता चल जाता है दोनों टीम की एग्जैक्ट प्लेइंग इलेवन क्या रहने वाली है, इसके साथ ही साथ कौन सी टीम टॉस जीत के यहाँ चेस करने वाली है। तो ये सारे आंकड़ों के बाद, जैसे मैंने आपको बताया भी है कि इस मैच में 2-3 बड़े चेंजेस होंगे, तो सारे चेंजेस के बाद आएगी हमारी लास्ट और बेस्ट विनिंग टीम, और विनिंग रेशियो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। लेकिन उसके लिए टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा, जाके देखना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन ये मेहनत होगी बिल्कुल फ्री, क्योंकि टीम मिलने वाली है बिल्कुल फ्री, कोई चार्जेस नहीं लगने वाले, कोई पैसे नहीं लगने वाले। तो जल्दी से जाके ज्वाइन हो जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, हम जल्द मिलेंगे नेक्स्ट मैच की पूरी प्रेडिक्शन के साथ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, लेकिन सबसे पहले करना है चैनल को सब्सक्राइब, 1 सेकंड लगता है, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो, ताकि नेक्स्ट वीडियो नोटिफिकेशन फोन के टॉप पे आ जाए, आपको पता चल जाए फैंटेसी क्रिकबॉल आपके लिए वीडियो लेके आ चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट मैच में, तब तक के लिए आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो।